अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मेहदी हसन आमिर और आप अपना YouTube चैनल सोनी धरती देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती अता फरमाए। इस वक्त मैं चक नंबर 63 DB में मौजूद हूं अली खैल के साथ। बड़ा खूबसूरत चक है और जहां पे मुझे बड़े ही प्यारे भाई यूट्यूबर और ज़मींदार राशिद महमूद साहब जो मिले हैं और मैं इनसे मिलकर मुझे जो है दिली खुशी हुई है। हमारे पीछे आप फूल देख रहे हैं नाज़रीन, इन फूलों के बारे में अभी आपको बताते हैं और राशिद भाई का इंटरव्यू भी शाया करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, नशर करते हैं। आपने ये इंटरव्यू देखना है और इससे फ़ायदा उठाना है। पहले आप हमारा व्लॉग देख चुके हैं जो सिर्फ फालसे के बारे में था, उसके बारे में आपके कोई सवालात हों तो हमसे पूछ सकते हैं। और इस वक्त हम जो है इस पीछे जो पौधे नज़र आ रहे हैं इनके बारे में आपको बताएँगे कि ये क्या चीज़ है। तो चलिए राशिद भाई से बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी, तुम साढ़े वास्ते टाइम कटे आए। अच्छा ये दसो कि ये जरा पौधा तुम सू दिखा रहे हो बड़ा खूबसूरत जहा। हाँ जी। ये बारे सू कोई मालूम दो, ये किस चीज़ का पौधा? ये करौंदे का बूटा है। करौंदे करौंदा, इसमें करौंदा आ दे। अच्छा। तो ये चावल मिठे चावल उन्होंने मुरब्बा जरा होंगे ना लाल रंग का। अच्छा। या हरे रंग का, ये वो चीज़ है। अच्छा, उन्होंने इस्तेमाल। हाँ जी, उस इस्तेमाल होंगे। अच्छा, मिठे चावल पौधा तुम कितों मंगाया तो किस तरह इस कास्ट किया? ये साढ़े दादे ने गुजरात वाली साइड तो लिया। अच्छा। हाँ जी। तो इस तो अलावा यदा अचार बनता बहुत मज़ेदार। अच्छा। यानी कि दूसरे अचार में ही यानी कि वो भी ज़्यादा बेहतर है, मज़े वाला। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये फिर तुसी थे और ज़्यादा काश्त नहीं की था? एक जो नहीं ये लगा यानी कि साढ़े इतने डॉक्टर वगैरह ने। अच्छा। जानवर ने डॉक्टर। हाँ जी। वो दवाइया वगैरह जो अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो वो ले जाते हैं या आवाम पिंड की जी गिफ्ट के तौर पर अधिक असि किसी को पैसे नहीं ले। बेचिया नहीं कभी? हाँ जी, कभी बेचिया नहीं। ये एक सदका साढ़े दादे का शौक सी। हाँ जी। अच्छा ये दसो राशिद भाई। हाँ जी। इधर तो तुसी ना खालिद दी बनी चलाए हो? हाँ जी, बनी दे। अच्छा, ये कितने पौधे ने? 3-4? ये काफ़ी सारे परे भी है लैने की पूरी। अच्छा अच्छा। उस यानी कि 40-50 पौधे ने, तो इनू ए वास्ते कोई देखभाल की इन्नी लोड़ नहीं है। यानी कि खाले च आम रूटीन ना पानी चलता है। ये तुसी ले के जेड़ा आए हो उत्थू गुजरात च? गुजरात एक पौधा? हाँ, एक दो पौधे लैके आए, उतो फिर अगे यानी कि आटोमैटिक ही छोटे छोटे पौधे हालात कलमा जे पौधे छोटे छोटे। हाँ जी, पौधे थले ही निकल आते पौधे वो ला दे। अच्छा, यानी पनीर ही हो गए? हाँ जी, वो तुम ला दें। अच्छा, तो ये इसनों कितने साल हो गए ने? ये तकरीबन 10 साल तो उत्ते हो गए। अच्छा, 10 साल तो। हाँ जी। हो गए। हर साल ये फल दें? हर साल फल दें, तो माशाल्लाह देखो कितना खूबसूरत फल। अच्छा, तो ये जो है फल दा? हाँ जी। राशिद भाई ये दसो भाई फल ये किस मौसम में देंदा है? ये ऐसे मौसम च। अच्छा। हाँ जी, पंजवा महीना मई। हाँ, मई के बीच। हाँ जी, फल तैयार। यानी कि एक महीने के बीच अचार वास्ते तैयार है फुल। अच्छा, यानी कि दाने मोटे हो जाएंगे। अच्छा। तो अचार वास्ते मुरब्बे वास्ते तैयार। तुसी तोड़ लेंदे हो? हाँ जी, तोड़ लेंदे। अच्छा, देखो तस्वीर देखो कमाल है यार, बहुत प्यारी तस्वीर है करना। अच्छा, बहुत प्यारा फल है। अच्छा, ये फिर तोड़ के तुसी इसनु सेव कर लेंदे हो, महफूज कर लेंदे हो किसी चीज़ के बीच? नहीं, बस यानी कि जड़ी आवाम नु लोड़ होवे ना। अच्छा। वो आके तोड़ के पीण दे अपने हो गए लड़कियां जानी बच्चियां जानी बाहर शादी हुई जिन्हें। अच्छा। वो अक्सर आते हैं फिर वापस जो आते हैं इस मौसम में फालसे वाले फालसा लै जाते हैं। अच्छा। करौंदा लै जाते हैं। क्या बात है, गिफ्ट लै जाते। हाँ जी, गिफ्ट के तौर पर दे रहे थे तो रख। हाँ जी, जनाब आबाद ने माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारी गल है। अच्छा ये दसो ये जरा अचार बनता है तो इधर कोई शरबत वगैरह बनता है? शरबत कोई नहीं, अचार अचार तो मुरब्बा। अचार तो चावल इस्तेमाल। हाँ जी, मुरब्बा से वैसे साढ़े दादा बना। अच्छा। वो नहीं कभी बनाते लेकिन साड़ी वालदा जी वो अचार वगैरह बना लेंगे, पिंड वाले लोग अचार बनाते बहुत। अच्छा, मज़ेदार भी। अच्छा, हाँ ये तो बहुत अच्छी गल है, तोहफे तकसीम करते हो प्यार वास्ते। हाँ जी, रिश्तेदार अच्छा ताल्लुक है। हाँ जी, ये बिजनेस तौर पे भी हो सकता है? हो सकता बिल्कुल। अच्छा, कारोबारी लेकिन असि कभी किया नहीं इस तौर पे, लेकिन ये हो सकता है। इन फल माशाल्लाह बहुत ज्यादा लगता। ये नाज़रीन तुसी राशिद भाई दी गल्लां भी सुनिया ने ते तुसी ये वेखो ना, ये मैं थानू सरायकी दे विच दसां कि बहुत प्यारा फल है, दिल खुश हो गया। ये तुसी भी नज़ारा वेखदे पए हो ते इस नज़ारे नू तुसी याद रखना है। चक नंबर 63 DB राशिद महमूद का खूबसूरत जिहड़ा है बाग तुसी याद रखना है। तुसी इत्थे आओगे तुसी फालसा खा भी सकते हो ते ए जिहड़ा है पौधा इहदा की ना करौंदा? करौंदा। हाँ, करौंदा। करौंदा दे तुसी मालूमात भी हासिल कर सकते हो ते ए तुसी तस्वीर दे विच स्क्रीन उत्ते तुहानू ये सारा कुछ नज़र भी आ रहा। अच्छा, इसनू यानी 10 साल हो गए ने? हाँ जी, 10 साल। गुजरात जी लैके आए? गुजरात जी। हाँ जी, दादा मेरे। अच्छा अच्छा, दादा जी। हाँ जी, दादा। अच्छा, तो ये इतने थोड़े कितने रकबे राशिद भाई? इतने 15 एकड़। 15 एकड़। हाँ जी। ये आलू बुखारे का बाग भी? आलू बुखारा। ये फालसा भी है? फालसा भी है। एक करौंदा? करौंदा हो गया। लुकाट हो गई? अच्छा, लुकाट भी। लुकाट, जापानी फल। अच्छा, जापानी जापानी फल के 2-4 बूटे आ गए यानी कि शौक तो लाए ने। शौक ही लाए। हाँ जी, उस तो अलावा चीको।
अच्छा चीकू इस टाइम फल लगा है। अच्छा चीकू दा। हाँ चीकू नाशपाती यानी ऐसे चीकू दे भी ऐसी हाँ जी वीडियो बना सकते चीकू दी वीडियो बना सकते नाशपाती भी तैयार है। नजरीन बहुत शुक्रिया तुहाडा तुसी इस वीडियो तो बहुत कुछ जेड़ा है सीखिया होना है तो मैं राशिद भाई का भी शुक्रिया अदा करीना साडे चैनल नु सब्सक्राइब करे सो इंशाल्लाह नवी वीडियो दे नाल तुहाडे नाल वला मुलाकात होसी उस वेले तक अल्लाह हाफिज़।